नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों एक मीटिंग में मैं भी गया था। एक महिला ने मुझसे प्रश्न किया, ये बताइए पंडित जी, पति को अपने वश में करने के लिए महिलाएं इतने सारे उपाय क्यों करती हैं? पुरुष लोग ये सब क्यों नहीं करते? मुझे ये सवाल थोड़ा आड़ा तिरछा लगा। मैंने कहा, इस दुनिया में किसी स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु उसका पति होता है, और शत्रु तभी तक संतुलित व्यवहार करता है जब तक वह कमाने में रहता है। इसलिए महिलाएं अपने पति को वश में करने, टोने टोटके, वशीकरण, यह सब करते रहती हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, विवाह पूर्व लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए न जाने कितना व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं रहती कि उसे कितना अच्छा पति मिलेगा, उसकी आकांक्षाओं में कितना खरा उतरेगा, उसे कितना खुश रखेगा। विवाह के लिए जब रिश्ते आने लगते हैं तो यह अनुमान तो हो जाता है कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा, किस दर्जे का होगा, लेकिन एक निश्चित अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करने से अच्छा पति मिलता जरूर है, लेकिन फिर भी उसका पति सौख्य अनिश्चित रहता है। एक विवाहिता को अपने पति से भले कोई शिकायत न हो, पर उसे एक डर बराबर बना रहता है कि देखो अभी तक तो अच्छे से रख रहे हैं, फिर आगे भगवान जाने। मेरे दोस्तों, लड़कियों को ससुराल में इसी अनिश्चितता के साथ जीना पड़ता है। गर्ल्स हैव टू लिव इन अनसर्टेनिटी। उसका पति चाहे गोरा हो, काला हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, वह उसके साथ समर्पण भाव से जीती है और उसे प्यार करती है। एक बार जो शादी हो गई सो हो गई, फिर वह कभी अपने मम्मी पापा से यह शिकायत नहीं करती कि आपने कैसे लड़के से शादी कर दी मेरी, मुझे ऐसा पति मिलना था, वैसा पति मिलना था। इवन वह अपने पति की कोई बुराई सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी इस आस्था को, इस प्रेम को उस समय ठेस लगती है जब उसे पता चलता है कि मेरा पति अब मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करता है। मुझसे महिलाएं पूछती हैं कि हम अपने पति को कैसे खुश रखें, कि वो हमारा बन करके रहे। वशीकरण वाला कोई उपाय हो तो बताओ, कोई टोटका हो तो बताओ, ताकि वो हमारे वश में रहे। इस पर मैं सबसे यही कहता हूं कि देखो भाई, वशीकरण शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को उठ कहे तो उठ जाए, बैठ कहे तो बैठ जाए। सच तो यह है कि इस परिभाषा में खरा उतरने वाला कोई वशीकरण होता नहीं। होता रहा होगा पहले, अब तो हम डिजिटल युग में आ गए हैं। जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। इसलिए आज के दौर में उठ मतलब उठ, बैठ मतलब बैठ वाला वशीकरण अपना शाब्दिक अर्थ खो चुका है। मैं तो कहूंगा, यदि कोई आपसे यह कहे कि वशीकरण के लिए मैं यह बना देता हूं, यह बना देता हूं, तो जानिए वो आपको ठग रहा है। आप जो भी घरेलू उपाय करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ करें, निश्चित रूप से लाभ मिलता है। पर कभी कभी जब अपना समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, ग्रह जब प्रतिकूल चल रहे होते हैं, तब यह प्रयोग लाभ नहीं दिखा पाते। ऐसी स्थिति में कुछ दिन रुक कर फिर आपको वह प्रयोग करना चाहिए। हाँ, तो अपने पति को वश में करने का जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से सुने। किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि से आप यह व्रत कर सकती हैं, ये उपाय कर सकती हैं। पूजा में काम आने वाली दो बड़ी सुपारी आप ले लें, उसे एक लाल कपड़े में लपेट लें और सिर से पूर्व की ओर मुंह करके आपको 7 बार उन दोनों सुपारियों को इस तरह से
सात बार आपको उतारना है, क्लॉकवाइज उतारना है। फिर से उतारते समय आपको कोई मंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ ये भावना करना है कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। यदि उसका किसी अन्य के प्रति आकर्षण है तो वह टूट जाए, ऐसा भी आप बोल सकती हैं। फिर ऐसे कोई वट वृक्ष जिसकी महिलाएं पूजा करती हो, वहां आपको जाना है। वो ऐसा वट वृक्ष आपको तालाब के किनारे भी मिल सकता है, मंदिर में भी मिल सकता है। तो जब आप घर से निकलती हैं, तब बाया पैर यानी लेफ्ट लेग, या जिसे कुछ लोग उल्टा पैर भी कहते हैं, उसे पहले बाहर निकालना है। और जब आप पूजा करके घर आती हैं, तब भी आपको उल्टा पैर यानी लेफ्ट पैर पहले अंदर करना है। पूर्णिमा तिथि में दो पूजा की बड़ी सुपारी लाल कपड़े में बांधकर आपको ले जाने का है। इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पूर्णिमा तिथि में दो पूजा की बड़ी सुपारी लाल कपड़े में बांधकर आपको वहां ले जाने का है, वहां घी का दिया जलाने का है। यदि आपके पास घी का दिया नहीं है तो तेल का दिया न जलावें, कपूर का दिया जला सकती हैं। फिर दो गर्भवती करें, फिर आपने जहां दिया जलाया है दोनों बड़ी सुपारी को रख दें, कपड़ा सहित न रखें, कपड़ा आपको वापिस घर ले जाने का है। फिर उस सुपारी पर, दोनों सुपारियों पर कुमकुम का टीका लगावें। टीका लगाते समय बोलें, मेरा पति हर दृष्टि से मेरे अनुकूल हो जाए, मैं वचन देती हूँ कि भविष्य में घर के भीतर आते जाते हमेशा बायां पैर वापरूंगी। आप मेरे पति को ऐसा कर दीजिए कि वह मेरा बन करके रहे। ऐसा आपको सात पूर्णिमा करना है। इस संबंध में यदि आपको कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ भी सकती हैं। धन्यवाद।